जनता अपनी मम्मी से माँ खुशखबरी है, हम दो से तीन हो गए हैं। माँ बोली बधाई हो बेटा, क्या हुआ है बेटा या बेटी? जनता बोला ना बेटा ना बेटी, मैंने तो दूसरी शादी कर ली है। नो 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 एक महिला एक सांड को घी चुपड़ी हुई रोटी खिला रही थी। वहां खड़े सज्जन को संशय हुआ कि कदाचित वो महिला सांड को गाय तो नहीं समझ रही है। सज्जन व्यक्ति बोला, बहन ये सांड है गाय नहीं, आप इसे रोटियां खिला रही हो, किंतु यह प्रतिदिन गांव में तीन चार लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला बोली, भाई साहब मुझे पता है कि यह सांड है, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं और उनका हॉस्पिटल इस सांड के कारण ही चलता है। नो 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 बहुत पुरानी बात है, एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे शीशा मिल गया, उसमें खुद को देखकर समझा कि उसके बाप की ही तस्वीर है और वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लग गया उससे। उसकी बीबी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने वो शीशा निकाला, खुद ही अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बात करता है। और उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर शुक्र मना बुड्ढी है, जल्दी ही मर जाएगी। नो 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 सांता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो दो आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी, तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता साहब? जज बोला, सिंपल सी बात है, जिस तरफ दो आदमी थे नुकसान कम होता, उसी तरफ गाड़ी मोड़नी चाहिए थी। संता बोला, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो दो आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए साहब। नो 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 बेगम क्या चांद ला सकते हो? मियाँ कमरे में गए और कुछ चीज छिपा कर लाए और बेगम से कहा, आंखें बंद करो, और वो चीज बेगम के हाथों में रख दी। फिर आंखें खोलने को कहा, बेगम की आंखों में आंसू थे क्योंकि उनके हाथों में एक आईना था जिसमें बेगम का चेहरा ही नजर आ रहा था। बेगम, या खुदा आप मुझे चांद सा समझते हो? मियाँ बोले, नहीं मैं तो सिर्फ आपको ये समझा रहा था कि आप जिस मुंह से चांद मांग रही हो वो सूरत कभी आईने में भी देख लिया करो। फिलहाल मियाँ हॉस्पिटल में है। नो 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 पत्नी, पति से, अजी सुनती हो, पड़ोस की पिंकी को मैथ में 100 में से 99 मार्क्स मिले हैं। पति, अच्छा तो एक मार्क्स कहाँ गया? पत्नी, अपना बेटा लेके आया है। नो 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 नो